हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी और मज़ेदार चटपटे गोलगप्पे। देखिए कितना टेस्टी बनाया है मैंने, लाजवाब। और घर के सामान से ही हमने इसको बनाया है। इसके लिए हमने क्या किया था, चना और मूंग को रात में भिगोया 8 घंटे के लिए, और उसको हमने 8 घंटे छोड़ दिया कपड़े के अंदर, तो वो अंकुरित हो गया। देखिए, फिर हमने 5 आलू लिया है, इसको हम कुकर में डालेंगे और अंकुरित चनों को भी उसके साथ ऐड कर देंगे। आप चाहे तो आलू के छिलके उतार सकते हैं। 3 सीटी के लिए आप इसको लगा दीजिए, जब ये ठंडा हो जाए तब पिसल खोल दीजिए। तो देखिए, हमने गुड़ को लिया है, 100 ग्राम हमने गुड़ लिया है, उसको हम एक जार में डालेंगे। फिर हम खजूर की चटनी बना रहे हैं, मीठी की चटनी। इसके लिए हमने इमली को 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रखा है, खजूर को भी भिगो के रखा है जिससे फूल जाए और पीसने में आसानी हो। खजूर को हमने क्या किया था, उसके बीज को निकाल दिया है। अब हम इसकी तीखी मीठी चटनी बनाएंगे। देखिए, इसको हम जार में डाल के पीस लेंगे। अगर कम मीठा हो तो आप इसमें और गुड़ ऐड कर सकते हैं। हमारी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है। इसमें हम इमली की पानी डालेंगे और एकदम मिक्सर में पीस लेंगे। और हमारी इमली की चटनी बनके तैयार हो गई है, इमली और खजूर की चटनी रेडी। कितना आसान है घर में गोलगप्पे तैयार करना। फिर हम तीखी चटनी तैयार करेंगे तीखा पानी के लिए। इसके लिए हमने हरी मिर्च खूब सारी ली है, 5-6 आप हरी मिर्च ले लीजिए। उसके पास हरा धनिया और पुदीना और अदरक ले लीजिए। इसको जार में आप पीस लीजिए। देखिए, हमारी तीखी चटनी बनके रेडी। अब हम इसका तीखा पानी बनाएंगे। पुदीना पेट के लिए अच्छा होता है, उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में हम 2.5 ग्लास करीब पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। फिर हम इस जो तीखी चटनी बनाई थी उसको हम इसमें डाल देंगे। फिर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। हमने वैसे भी इसमें मिर्ची डाली थी, तो आप अपने, मुझे और तीखा चाहिए, इसलिए मैंने मिर्ची डाली और फिर इसमें हमने काली मिर्च डाला और चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो पानी पूरी का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा और खट्टा चाहिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा 1/2 चम्मच के करीब आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए। हमारा तीखा पानी बनके रेडी हो गया है। हमारा पानी पूरी का तीखा मीठा दोनों पानी तैयार हो गया है। हम अब कुकर खोलेंगे और आलूओं को छील लेंगे। आलू बहुत गर्म है, आप इन्हें ठंडा होने तक रोक सकते हैं। फिर हम इसको तोड़ लेंगे, हाथ से ना तोड़े नहीं तो हाथ जल जाएंगे। हमने सारे आलूओं को तोड़ लिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। चने और अंकुरित मूंग दाल के साथ इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक प्याज को कट कर लेंगे। प्याज को बारीक कट करने के बाद इसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, थोड़ा कमी नमक डालें। देखिए, हमारा मसाला बनके रेडी हो गया है। अब हमारी पानी पूरी खाने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल का नई बटन ज़रूर दबाएं। और एक बार आप इस वीडियो को देखें और इसको ट्राई ज़रूर करें। हमारी गोलगप्पे रेडी। थैंक यू।